नमस्कार, न्यूज ऑफ 360 वर्ल्ड ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कल्याणी ठाकुर। आज हम बात करेंगे पत्रकार मनदीप पुड़िया को रोहिणी कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। रोहिणी कोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुड़िया को जमानत दे दी है। उनकी ये जमानत 25,000 की निजी मुचलके पर तय की गई है। कोर्ट ने मनदीप को रिहा करते हुए कहा है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। आपको बता दें कि मनदीप पुड़िया को जमानत कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी है, जिसमें मनदीप पुड़िया बिना बताए देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही उन्हें अपना फोन नंबर और घर का पता SHO को लिखवाना पड़ेगा, उन्हें दर्ज करवाना पड़ेगा। इसके साथ ही जब जब दिल्ली पुलिस अगर जांच में उनका सहयोग चाहती है तो मनदीप पुड़िया को उनका सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मनदीप पुड़िया के खिलाफ FIR खुद दिल्ली पुलिस ने दर्ज करवाई है। तो मनदीप पुड़िया सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर 30 जनवरी को किसान आंदोलन को कवर कर रहे मनदीप पुड़िया को हिरासत में लिया था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। दिल्ली पुलिस ने मनदीप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की 4 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। IPC की धारा 186, 353, 332 और धारा 34 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुड़िया को दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बल्कि इससे पहले उनके साथ ही उनके एक पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया गया था, जबकि बाद में धर्मेंद्र सिंह को छोड़ दिया गया, लेकिन मनदीप पुड़िया के खिलाफ आरोप दर्ज कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पत्रकार के कुछ संगठन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध जताया है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत में सच में प्रेस की आजादी खत्म हो रही है? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।